वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। इसे मैंने न्यूटेला से बनाया है। मैंने न्यूटेला लिया है, साथ ही इसमें तरह तरह के स्पाइसेस मिलाए हैं, दही, घी और बासमती चावल से मिलके इसको दम में मैंने इसे पकाया है। जो लोग सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसे बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लखनवी स्टाइल सोयाबीन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 100 ग्राम जितना सोयाबीन चंक्स ले लिए हैं। उसको मैं गर्म पानी में आधे से घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अब मैंने कढ़ाई में एक पानी गर्म कर लिया है, उसमें मैं लौंग, इलायची और दालचीनी डाल दूंगी और नमक। जैसे ही पानी अच्छे से उबलने लगेगा मैं इसमें जो भिगो हुए सोयाबीन है वो डाल दूंगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के पकाऊंगी। अब देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और फूल गए हैं। अब मैंने इसे छान के पानी को बाहर निकाल दिया है और इसे स्क्वीज करके रेडी कर लिया है। अब मैंने एक और कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने गर्म पानी बनाने के लिए रखा है। उसमें मैं 2 तेज पत्ते, हरी मिर्ची जिसे मैंने बीच में से काट दिया है, और गरम मसाले जिसमें मैंने लौंग, इलायची और दालचीनी लिया है। उसमें मैं तेल डाल रही हूँ और नमक। यहाँ पे हमें नमक की मात्रा थोड़ी अधिक रखना है, पानी छान देने से नमक ठीक बैठता है। इसे अब ढक के पानी को उबलने देना है। पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम मैंने 500 ग्राम जितना बासमती चावल लिया है। उसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था जब तक पानी उसका क्लियर ना हो जाए। अब नींबू का रस डालने के बाद मैं इसे कुछ देर और उबलने दूंगी। इसे हमें 70 से 80% जितना पकाना है। देखिए चावल ऊपर आ गए हैं। अब मैं खड़े गरम मसाले हैं इन सबको बाहर निकाल दूंगी और इसे छान के पंखे के नीचे सुखा लूँगी थोड़ा। अब मैं सेफ्रॉन मिक्स बनाऊंगी। मैंने गरम दूध में केसर के स्ट्रिंग्स को भिगो के रख दिया था। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1/4 कप जितना मैंने घी लिया है। घी अच्छे से पिघल जाए तो हमें इसमें सौंफ डालना है। सौंफ से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सौंफ थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें स्लाइस किए हुए अनियंस डाल दूंगी। मैं थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। प्याज नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, नटमेग, मेज मतलब जायफल और जावित्री, ये जरूर पड़ता है लखनवी बिरयानी में, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसे हमें फ्राई करना है और अच्छे से इसे पकाना है। जैसे ये पक जाएंगे मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और बिरयानी मसाला। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को लो करके मैं फेटा हुआ 1/2 कप दही डालूंगी। हमें इसे लगातार चलाना है। अब मैं इसमें चीनी और नमक डाल के दोबारा एक बार मिक्स कर देंगे। अच्छे से तेल निकल गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसमें दूध मिलाऊंगी और 1/2 कप पानी मिलाऊंगी। इन सबको हमें अच्छे से एक और बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इस पेस्ट का छान लूंगी और इसके शोरबे को अलग कर लूंगी, और मैं साइड साइड से रोगन में जो तेल है उसको निकाल लूँगी और केवड़े का एसेंस डालूँगी। मैंने केवड़े के कुछ बूंदे पानी में मिला के डाला है। दोबारा मैंने शोरबा को गैस में बैठा लिया है। अब मैं उसमें जो सोया नगेट्स हमने रेडी करके रखा था उसे इसमें रख के डाल देंगे और इसे ढक कर कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि इसमें जूसेस घुस जाएँ। देखिए ये अच्छे से फूल के नरम हो गए हैं दोबारा। अब मैं इसमें जो तैयार किए हुए राइस है
वो मिलाऊंगी। मैंने इसमें केसर का जो दूध में मिला के रखा था उसे शामिल कर दिया है और राइस की लेयर से इसे पूरी तरह से ढक दूंगी। हमें इसे फ्लैट कर देना है अच्छे से। अब जो हमने निकाला हुआ जो रोगन था उसको मैं डाल दूंगी, केसर वाला दूध जो बाकी बचा था वो डाल दूंगी। इसे हमें अच्छे से फैला के डालना है और थोड़ा सा ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है। अब इसे एक तवे के ऊपर, तवे को मैंने गर्म कर लिया था, तवे के ऊपर रख के इसे एकदम टाइट सील ढक्कन में रख के इसे 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में इसे पकाना है। इसको मैंने 20 मिनट दम देने के बाद 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम के लिए रख दिया था। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। साइड साइड से हमें इसे निकालना है। देखिए कितने खिले खिले और सुंदर बने हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।